चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये जो समस्या है ये इसलिए ज्यादा हो रही कि किसान दिवस बंद हो गए, ये जो उनसे चीज को छान ले इनका चेह नाज हो जाओ फिर पीछे नहीं हटते। कुछ फैक्ट्री का इलाज किसानों के पास में है, कौन सी उसको टेबलेट देनी है? किसानों नौजवान साथियों नीचे बैठ, तुमसे बढ़िया है क्या डीएम साहब, एसएसपी साहब और समस्त हमारे पत्रकार बंधु और सारे अधिकारी, ये जो जिला है इसको वैसे ही कहते हैं कि ये बहुत लड़ाई झगड़े वाला था और वो है, इसका मैसेज सा बड़ा खराब है। जब कोई अधिकारी बाहर से आए, मुजफ्फरनगर है, यहां पे आदमी प्यार का भूखा है, काम धंधे तो हमें पता ना अधिकारियों के ज्यादा हाथ में है, सब ऊपरले वालों के, अधिकारी ठीक मैसेज दे जाए तो उसका ठीक काम चलता रहे। लेकिन जब अधिकारी यहां से ट्रांसफर होकर जाता है तो हमारे वाले लोग वो उसका बनारस में पोस्टिंग हो जाएगा, वहां तक ही जाएंगे, सब जाते हैं जो जो भी यहां से गए हैं। बातचीत ठीक हुई, जो कमेटी गई थी उनकी बातचीत ठीक हुई। गन्ने वाला भी एक बड़ा मामला था और खास करके और सारी शुगर फैक्ट्री ने मुजफ्फरनगर का ठीक कर दिया। एक शुगर फैक्ट्री बची बुढ़ाना, उस पर धरना चल रहा, उस पर यह नहीं कि इनके हाथ में कुछ हो, डीसीओ कुछ नहीं कर सकता, डीएम साहब कुछ नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है। मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई उन्होंने कहा कि कैसे भुगतान होगा वो रास्ता बता दो हमको। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा जब उनसे कई साल पहले बात हुई कि कैसे भुगतान होगा वो रास्ता बता दो, इनको फैक्ट्री को बंद कर देंगे तो आंदोलन आप करोगे कि गन्ना नहीं जा रहा, गन्ना डलवाओ। एक आंदोलन हुआ था दिल्ली में, शुगर फैक्ट्री वाले ने बसें लगवाई थी किसानों की, ध्यान से सुन लेना, बसें लगवाई थी कि आप दिल्ली में आंदोलन करो शुगर फैक्ट्री के खिलाफ, हमारे खिलाफ सरकार डरेगी, बगैर ब्याज के पैसे दे देगी हमको। मगर ये गणित हमारी समझ में पहली बार आया कि शुगर फैक्ट्री बस लगवा रही और आंदोलन करो, और उस टाइम पे भारत सरकार ने करीब 6,000 करोड़ रुपया शुगर फैक्ट्री को बगैर ब्याज के दिया था। तो ये इतने उस्ताद है फैक्ट्री वाले, ये सरकार को लूटते हैं, ये केंद्र सरकार को लूटते हैं, ये यहाँ के अधिकारी को लूटते हैं, किसानों को लूटते हैं, इनका इलाज भी है क्योंकि फिर किसी भी अगर बीमार है तो उसका इलाज तो ढूंढना पड़े, इनका इलाज भी है। जैसे उत्तम शुगर फैक्ट्री थी, इनके आज डीसी साहब आओ, इन्हें बुलाओ, ये भी करने की। जैसे उत्तम शुगर फैक्ट्री है उसके किसान यहां पे होंगे उत्तम वालों के, हमने बहुत रिसर्च करी इस पे। कुछ फैक्ट्री का इलाज किसानों के पास में है, कौन सी उसको टेबलेट देनी है वो दवाई काम करती है, वो इलाज है हमारे पास में। इनकी 4 टोयोटा की एजेंसी है, भीम साहब बात सुन लो, काम की है, आगे जहां पर पोस्टिंग आपकी होगी वहां काम आवेगी, बात सुन लो। इनकी 4 एजेंसी, 4 इनकी शुगर फैक्ट्री है और 4 ही इनकी उत्तम टोयोटा की एजेंसी है, जो ये इनोवा ये गाड़ियां हैं। हमने प्लान कहा 4 फैक्ट्री 4 एजेंसी, इन पर तड़े लगाए दो, वे फैक्ट्री में ढूंढ गए, उन पर तड़े लगाए, वेल्डिंग करा, करीब 600 करोड़ रुपया बका था, उस पर कीमत लिख दी, जो विभाग खोल लगा उसको पैसे देने पड़ेंगे, किसी विभाग ने नहीं खोले, 22 दिन तक बंद रहे। फिर हमने कहा कि ये धनतेरस पे ज्यादा बेचे गाड़ी, धनतेरस पे ही बिके ना गाड़ी, हमने कहा आपका तो छोड़ दिया, अगले साल अगर भुगतान नहीं देंगे तो धनतेरस से 5 दिन पहले 200 आदमी एक इनकी टोयोटा की एजेंसी पे, 4 से 800 आदमी बहुत होंगे, अपना ट्रैक्टर लेगा बोरिया बिस्तर बांध के
पांच दिन पहले अपना बैन लगा देना। अब टनाटन भुगतान करते हैं उत्तम शुगर मिल वाले, धनतेरस से पहले सारा भुगतान करते हैं। कुछ फैक्ट्री है मोदी वालों की, मलकपुर उन्हीं की फैक्ट्री है, मलकपुर आंदोलन नहीं, धरना धरता कोई, जो भी अधिक कोई किसान संगठन का आदमी या कोई नेता धरना दे दे वो फंस जाओ वहां पे, धरना ही नहीं देता। हमने बताया उसका भी इलाज है, ये बड़ो क्षेत्र का, उसके लिए 100 ट्रैक्टर चाहिए और 1000 आदमी जाना पड़ेगा मोदी नगर। उनकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है वो बंद करनी पड़ेगी, भुगतान आपका होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बागपत से वहां जाना पड़ेगा। मंसूरपुर शुगर फैक्ट्री पैसे नहीं देती थी, आप यहां धरना दे लो, डीएम साहब के यहां दे लो, एसएसपी के यहां दे लो, देगी नहीं भुगतान। उसकी डिस्टिलरी करनी पड़ती है धामपुर में बंद, तो किसके पेच कहां है? बजाज वालों का अगर इलाज करना है तो बजाज वालों के लिए चाहिए भाई 5000 आदमी, एक शुगर फैक्ट्री 1000 आदमी, तो 16000 आदमी चाहिए उसके लिए। और बोरिया बिस्तर अपना बांधकर एक महीने के लिए, उनका इलाज है यहां से 750 किलोमीटर दूर। ठीक है, ये है, हम भी इनके साथ में उलझो रहते हैं अधिकारियों के, लेकिन बहुत सी समस्या लोकल की होती है। पहले डीएम से पावर होती थी पूरी कि कहीं झगड़ा होने का अंदेशा है करे केंद्र दूसरा चाहिए, तो एबीसी करके लगा देते थे, इनसे लग गया एबीसी करके लगा दिया। मीलवाड़ा राज्य, डीएम साहब राज्य, सीडीओ राज्य, एसडीओ सबको राज्य अपना लगा दिया, लगा दो भाई, उसी के नाम से तुलता रहता था। आज एक एक चिट्ठी पत्री यहां से बना के भेज देते हैं, लखनऊ वाले करते ही नहीं। लेकिन यहां पे किसान दिवस, ये जो समस्या है ये इसलिए ज्यादा हो रही कि किसान दिवस बंद हो गए। किसान दिवस जब मायावती की सरकार थी उस टाइम पे किसान दिवस शुरू हुए, ये अखिलेश यादव की सरकार चली उसमें भी चले, जब योगी जी की सरकार पहले टर्म में चले उसमें भी चले, ये अब भी चले, लेकिन पिछले 2-3 महीने से एक विवाद सा होगा, किसान दिवस ब्लॉक कुमार उसमें कर देंगे, जो जो यहां पर उसकी बहुत समस्या समाधान होती थी, किसान आता ही नहीं था, अधिकारी साहब आके बैठ गया सारी मिनट्स बन की पहले क्या काम था क्या हुआ अग्री कर, तो उससे समाधान हो जाता था। कुछ आपके तहसील दिवस है कुछ उसमें निपट गए, जो आदमी किसान दिवस में आएगा वो तहसील दिवस में जाएगा ही नहीं। और हम इसकी बाबत पूरे देश भर में बताते हैं, और जगह तहसील दिवस शुरू हो रहे हैं, कई जगह शुरू करें कि भाई हमारे वहां पे ये होता है, हम अधिकारियों से ज्यादा संपर्क रखते हैं, हमारी सब बातचीत हो जाती है। जैसे लखीमपुर खीरी कांड था तो कोई उसमें नेता थोड़ा आए थे, इतना बड़ा कांड था कि वो हमारे अधिकारी थे, उन को हमारे पे विश्वास था, हम कौन पे था, और 6 घंटे में इतना बड़ा कांड निपटा दिया। यहां के लोग और जो किसान है वो सम्मान से 2 बोल बोल लोगे तो ये याद करेंगे, इनकी क्या टाइट अगर करोगे इन्हें पता चलेगा जय चूड़ी चढ़ाने का काम कर रहा, वो निगेटिव जाएंगे, ये रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं। ये वही है, सेना में भी सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र के लोग मारे जाते हैं सैनिक, ये जो उनसे चीज को छान ले इनका चेहरा नाश हो जाओ फिर पीछे नहीं हटते। ये खिलाड़ी भी मजबूत हैं, कितने गोल्ड मेडल आए जीत का, ये आंदोलनकारी भी इतने ही है। जो भी समझौता आपकी कमेटी ने करा, डीएम साहब और एसएसपी साहब अपना बता देंगे जो भी करा है, जो भी आप तय करके ले आए होंगे ये सब उसी को मान जाएंगे। शामली मिल का जो राणा ग्रुप है, राणा ग्रुप पे क्या पास में पैसे हैं वो देना नहीं चाहता, उसके पास में पैसे हैं, शामली वाले का इलाज हो रहा है, ये
जो बजाज वाला है इनके साथ 1300 करोड़ रुपए आ गए होंगे, डीएम साहब बता देंगे, डीसी साहब उन है? गोगर ओ, करेंगे करेंगे बात सबकी करेंगे, अभी प्रशासनिक अधिकारी है, फिर चौसा बोल लेंगे, ये बता देंगे अपना जो भी तय करा होगा कमेटी ने, हम सब जो भी तय करके ले आए होंगे हम सब उसी को मान लेंगे भाई। डीएम साहब आ जाओ आप भी आ जाओ जी, साहब आप भी आ जाओ, आज इधर ही आ जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं सबकी बात सुनना, बैठ जाओ। अरे यहाँ पे ये तो अब थोड़ा भूल सी गए, नहीं तो ये लेट हो जा रहे थे, क्या अंधेरा होगा, अब फिर अंतर रोडवेज की बस भिजो हम काम पे, ये रोडवेज की बसें जाग रही थी भाई, मैं छोड़ने ये तो भाई अंधेरा होगा, ट्रैक्टर कैसे जाएंगे, ट्रैक्टर तो यहीं रहेंगे, रोडवेज की बस में जाते थे फिर गाँव में, जाते थे या नहीं, हाँ जाग रहे थे। चलो अभी बात सुनो, दोनों हमारे सीनियर अधिकारी यहाँ पे हैं, हम इनकी बात सुनेंगे, और जो भी हमारी कमेटी ने जो भी समझौता करा होगा उसको अपना लागू करवाएंगे। लो जी आओ, एसएसपी साहब।